पांगला में रुक लिए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मक्का देखो इतनी बड़ी है यहाँ से कि नीचे से आदमी का ऊपर तक हाथ ही ना पहुँचेगा। ये देखो बीच से ही हमारा रास्ता है आने जाने का, जो हमारे कैंप का रास्ता है वो यहाँ मक्का के अंदर से आना जाना पड़ता है खेतों से, क्योंकि ये कैंप रोड से अंदर है। ये देखो दोस्तों, और मक्का बहुत बड़ा है मेरे बराबर से। देखो भुंटा कहाँ पर है, वो है भुंटा। ये देखो ऐसे रास्तों से होके निकलना गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों ये देखो, ये चेक करो, ये गरव्यान से दिख रहे हैं, गरव्यान वहाँ से आए हैं, यहाँ से ऊपर को ऊपर को ऊपर को ऊपर को ऊपर को, यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ से वहाँ जाना एकदम टॉप। दोस्तों ये झरना देखिए, नेपाल का झरना, झरना जितने भी हैं सब नेपाल के ही हैं। ये देखिए इंडिया के झरने ही बहुत तगड़े तगड़े हैं, जिनको देखने की हिम्मत ही नहीं है क्योंकि वो सारे झरने रोड में ही हैं। ये चेक करिए दोस्तों, हमें जाना है वो एकदम टॉप में, यहाँ से आगे पता नहीं कब पहुंचेंगे दोस्तों। यहाँ भी आगे जाके रास्ता ब्लॉक हो गया है, आगे तो ये जाएगा नहीं, आगे के लिए छोटी गाड़ी आएगी 4x4, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बेकार रास्ता है, इतना बेकार रास्ता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इतना बेकार भी रास्ता हो सकता है पहाड़ों के बीच में, बहुत बहुत ज़्यादा बेकार रास्ता है। देखते हैं कब गाड़ी आती है, कब जाते हैं फिर आगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आनंद लेते हैं यहाँ। आप भी चेक करो ये हरियाली, क्या बात है, वाओ। और ना ही अभी रोड खुला है, रोड खुलेगा तब कहीं आगे जाएंगे, बाकी यहाँ बैठे हैं आराम से, देखते हैं कितना देर और बैठते हैं। ठंड लगने लगी, धूप थी, छाँव होगी, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं, अब रास्ता खुल गया है लगभग बताया जा रहा है। दोस्तों ये जो नदी देख रहे हो आप, ये नदी काली नदी बोलते हैं इसके लिए, और इसी को शारदा नदी बोलते हैं। ये आगे जाके टनकपुर साइड में शारदा नदी बन जाती है, इससे ऊपर ये सारी काली नदी है, ये इंडिया और नेपाल का दोनों का पानी इसमें आता है। तो ये जो नदी आपको दिख रही है बहुत छोटी लगती होगी देखने में, इतनी गहरी है दोस्तों ये कि जो भी इसके अंदर आता है वो आज तक मिला ही नहीं, जो भी गया है इसके अंदर वो कभी मिला ही नहीं, ऐसा इसमें यहाँ बताया जाता है। ये बहुत ख़तरनाक नदी है काली नदी, ये इंडिया और नेपाल और चाइना तीनों के लिए, इसी का पानी तीनों का आता है इसमें, ये बॉर्डर तक जाती है। बाकी दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं और फिर आपको बताते हैं ज़रा। दोस्तों शाम के 6 बजने वाले हैं लगभग लगभग। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये लामारी है, लामारी चेक करो, लामारी पर जाना है बुद्धि, एकदम काली नदी में है ये, काली नदी के पानी की स्पीड देखिए, और ये तो कोई स्पीड नहीं है, जो पीछे भयंकर देखने लायक डरावना रास्ता था एकदम, ये काली नदी चेक करिए। दोस्तों मेरे पीछे देखो क्या भयंकर वाला पहाड़ है एकदम, अभी अभी नाश्ता किया है, एकदम खड़ा पहाड़ है और रास्ता तो इतना डरावना है कि मैं आपको वीडियो में दिखा ही नहीं सकता, मैंने खुद नहीं दिखाया। नदी और रास्ता बहुत ज़्यादा भयंकर, जो भी देखेगा उसको आंख बंद करनी पड़ेगी इस वीडियो को देखते, तो मैंने लिया ही नहीं इसीलिए वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक। यहाँ से निकलते हैं आगे बुद्धि के लिए, अब देखते हैं नीचे से आने में, यहाँ से 100 मीटर ही है
हालत ख़राब हो गई उस दिन का, अभी तक पैरों में दर्द हो रहा है। दोस्तों अब यहाँ से आगे चलते हैं बुद्धि। दोस्तों बुद्धि इस पहाड़ के आगे है, यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर एक काम है, इसके बाद हमें पड़ेगा 46, उसके बाद हमें जाना है गुंजी। हमारे चारों काम गरव्यांग में जाके पूरे हो जाएंगे, गुंजी में जाके रात को रुकेंगे, फिर देखते हैं क्या सीन है वापसी का, क्योंकि रास्ता तो बंद है पीछे का, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर तो ये बुद्धि की वादियों चेक करो जरा, ये बुद्धि है दोस्तों। हमारा सफ़र यहाँ से आगे का शुरू होता है, इन पहाड़ों को पार करके 5-6 किलोमीटर आगे जाके वहाँ काम करना है, उसके बाद फिर आगे जाना है। दोस्तों ये देख चेक करिए जरा बुद्धि। दोस्तों यहाँ नीचे जाके थोड़ा सा, यहाँ पर एक हेलीपैड बना है जो धारचूला से हेलीकॉप्टर आता है, यहाँ से लेके जाता है इन रास्तों को ऊपर सीधे। ये चेक करिए, ये इंडिया पहाड़, ये नेपाल पहाड़। नेपाल के पहाड़ों में वहाँ पर बर्फ़ दिख रहा है हल्का फुल्का, यहाँ ये वाइट वाइट बर्फ़ है। ये चेक करो दोस्तों। तो हम इस समय 6 लेक में हैं, और ये 6 लेक में बारिश जो इस समय हो रही है, ये इतनी बारिश हमेशा यहाँ होती है। ये 11,000 फिट पे है लगभग, यहाँ पे ज़मीन से देखिए, नीचे वाली व्यू की थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी, ये एकदम खड़ी चढ़ाई है, यहाँ बारिश हो रही है। इतनी बारिश यहाँ हमेशा होती है, इतना ये धुंध है, ये भी यहाँ हमेशा ही रहती है। दोस्तों चेक करो 11,000 फिट, यहाँ मौसम हमेशा ऐसा रहता है जैसा ये दिख रहा है। हमारे से पहले आए हो, हम आपसे पहले आए हैं। दोस्तों ये देखो गरव्यांग, गरव्यांग से दिख रहा है ये सारा दृश्य। दोस्तों आसमान देखो क्या तरह से चल रहा है, ये गरव्यांग से सोड़े। ये सामने नेपाल, दोस्तों हमारा काम तो गया हो गरव्यांग में, अब हम गरव्यांग से निकलते हैं गुंजी। गुंजी देखते हैं, नाइट स्टे वहीं पर है। और ये मौसम देखो एकदम खतरनाक है, जब से आए हैं बारिश यहाँ चली रही है, बारिश तो पहले से ही चल रही थी, तो यहाँ ठंड भी बहुत भयंकर वाली है। निकलते हैं, एकदम फोन वोन चलाने का तो मन ही नहीं है, हाथ एकदम बिल्कुल बर्फ़ बन जा रहा है, और आगे बर्फ़ भी गिर रहा है सुनने को मिला है गुंजी साइड में। ठीक है दोस्तों यहाँ से निकलते हैं फिर। पहाड़ देखिए एकदम, यहाँ की जगह लद्दाख से कोई कम नहीं है, लद्दाख वाली फील है यहाँ पर, ऊँचे ऊँचे पहाड़ और ऑक्सीजन लेवल कम होते हुए। 2 मिनट में यहाँ हाँफ आ जा रही है, चलने चलने में यहाँ ऑक्सीजन की कमी जैसा महसूस हो रहा है, और बाकी आगे जा रहे हैं।